टॉमी पॉलिटेक्निक कॉलेज बिसार डायरेक्ट और APJEE एडमिशन फॉर 3 years डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन सिविल EEE एंड CSE स्कॉलरशिप बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट कैंपस इंटरव्यू इन सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स बाय साउथ इंडियन मैनेजमेंट लेकिन कुछ लीगल में आप लोग को कहना चाहूँगा, हम लोग का अरुणाचल में आप लोग का इंश्योरेंस का अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को ख्याल रखना है, जितने भी गाड़ियाँ हैं सबका रिन्यूअल जो इंश्योरेंस है आप लोग को टाइमली रिन्यू करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीगल एंगल्स हैं। हम लोग का अरुणाचल में इतनी स्पीड नहीं है, लेकिन आसाम में देखता होगा हम लोग आदमी को फाइन दे देते हैं, क्योंकि हम लोग का अरुणाचल गाड़ी में मैक्सिमम इंश्योरेंस नहीं होता। तो आप लोग को एक फंड क्रिएट करना है, नाम जिसको वो फंड डेडिकेट होगा ये व्हीकल के मेंटेनेंस के लिए, और जो दोस्त फ्री में होता है ना उसका वैल्यू नहीं होता। तो आप लोग जो भी नामजिस लोग गाड़ी किसान लोग जो भी यूज़ करेंगे कुछ 1% 2% उस फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे। उसमें क्या होगा, अगले साल अगर सपोज गाड़ी का टायर चेंज करना है तो उस फंड से आप रिप्लेस करेंगे। गाड़ी तो मेंटेनेंस की भी जरूरत है, सर्विसिंग की जरूरत है टाइम टू टाइम, तो उस फंड से सर्विसिंग होगा। अगले साल की गाड़ी का पॉलिसी को रिन्यू करना है तो उससे आप लोग रिन्यू करेंगे। मतलब आप लोग एक मैकेनिज्म डेवलप करना है विलेज लेवल में, ताकि जो भी हम लोग का अभी कंटिजेंसी रिक्वायरमेंट हो सकता है तो हम लोग उस फंड से यूटिलाइज करेंगे। सर ये हम लोग का नेरे को ये गाड़ी बोलेरो पिकअप दिया है सर, हम लोग का SSG के लिए और हम लोग का NMG के लिए। पहले हम लोग को बहुत कष्ट मिला था हमारा गाँव में, सब्जी हम लोग का प्रोडक्ट बहुत निकलता है हमारा लंगखाव से NMG से, फिर भी हम लोग टाउन में लॉन्गिंग में ले जाने के लिए बहुत कष्ट मिला था। तो इस बार हम लोग को गाड़ी मिला है, तो इस बार हमसे ये गाड़ी लेके हम लोग का प्रोडक्ट को लॉन्डिंग में बेच पाएगा, और हम लोग का SCG का हम लोग का कुछ ऑफिशियल काम होगा तो हम लोग का ये NMG का ये फार्म को विड्रॉ करने के लिए फंसा में आ पाएगा और लॉन्डिंग में आ पाएगा। और हम लोग का गाँव वालों का बहुत पैसेंजर मैंने गाड़ी नहीं होकर बहुत कष्ट मिलता था, तो इस बार से गाड़ी मिल गया तो हम लोग मैंने गाड़ी से अप डाउन करने के लिए पैसेंजर को बहुत सुविधा मिलेगा। हम लोग जो है बोलेरो DI पिकअप वैन को अप्लाई फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी कर रहे हैं। ये हमारे नरकॉम मिनिस्ट्री ऑफ डोनर एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की तरफ से हमारे जो प्रोजेक्ट विलेजेस 13 वेन लॉन्डिंग में है, कुल मिला के 12 प्रोजेक्ट विलेजेस को इस वर्ष इन इस करंट फाइनेंशियल ईयर जो है हम लोग DI पिकअप वैन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं 13 वेन लॉन्डिंग में जहाँ पे अभी तक गाड़ी का जो है आना जाने का सुविधा नहीं है। इसी कारण से क्या है कि वहाँ पे जितने भी जो है सब्जियाँ जो उत्पादन होती है, या गांव में जितने बम्बू कलेक्शन हो, या फिर गांव से बिल्डिंग मटेरियल्स टाउनशिप से गांव में कंस्ट्रक्शन के लिए ले जाना हो, और ऐसी भी जगह है जहाँ पे पैसेंजर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे इलाकों को हमने प्रोजेक्ट के तहत सेलेक्ट किया है। जैसे आप जगान ले लो, लोंडिंग आप जगान ले लीजिए, कुमाऊँ ले लीजिए, फिर आपका कोनू कौनसा ले लीजिए, फिर आप किराब जाएंगे तो लाजू ले लीजिए, लाहौर, ऐसे 12 प्रोजेक्ट विलेजेस को हम इस वर्ष जो है DI पिकअप वैन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे क्या है कि हमारे जितने भी सेल्फ ग्रुप महिलाएं हैं जो जितने भी सब्जियां उगाते हैं वो जो है लॉन्डिंग मार्केट या कौनसा मार्केट में हर सप्ताह लेकर आएंगे,
और अपने प्रोड्यूस को सेल करेंगे और उनका जो है इनकम जनरेशन होगा। और इसके अलावा जो नामजीस है जिनके अगेंस्ट ये हम नेचुरल सेंक्शन कर रहे हैं, तो उनको भी जो है सोर्स ऑफ इनकम होगा, जो अपने फंड को जनरेट करने का एक जो है अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो कुल मिला के जो है इस प्रोजेक्ट के प्लस हम इसको जो है 12 डीए पिकअप दे रहे हैं हमारे जो प्रोजेक्ट विलेजेस महिलाओं के सुविधा।